हुबली फसादात में राह फरार इख्तियार करने वाले वसीम पठान को इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है। जी हां, वसीम पठान को इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है। हुबली फसादात में अब नए नए मोड़ आने लगे हैं। फसादात पर सियासत जोरों पर है। इस वक्त फसादात का ठेकरा वसीम पठान के सर पर फोड़ा जा रहा है। कल तक हुबली फसादात का मास्टरमाइंड मौलाना के तौर पर मीडिया ने जिस पर बवाल मचाया था, वो दरअसल कोई मौलाना नहीं बल्कि उसका हुलिया मौलाना नुमा था और उसी का नाम वसीम पठान है। इस वक्त वसीम पठान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वसीम पठान पर यह इल्ज़ाम था कि उसने कमिश्नर की जीप के ऊपर खड़े होकर नौजवानों को भड़काने का काम किया था, जबकि मकामी जिम्मेदारान और ख़ुद वसीम पठान के मुताबिक वो तकरीर नहीं कर रहा था बल्कि अवाम को अमन कायम रखने की अपील कर रहा था। हुजूम से मुखातिब होने के लिए उसे जीप पर चढ़ना पड़ा था। फिलहाल जिस वसीम पठान की पुलिस को तलाश थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और इस वक्त वसीम पठान से पूछताछ जारी है।